अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं शहीदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और आज माजूरों के आलमी दिन के मौका पर खानेवाल की बिल्किस ईदी, जिनका नाम मोहतरमा आबदा ज़फ़र साहिबा है, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया है माजूरों के लिए और स्पेशल पर्संस के लिए खानेवाल में। आज से चंद साल पहले इन्होंने ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी और देखते ही देखते इनकी मेहनत से ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत तरक्की की और आज जिना लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबदा ज़फ़र साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, माजूरों के आलमी दिन के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगी और आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो मज़दूरों के आलमी दिन पर यही कहना चाह रही हूँ कि जो मज़दूर होते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ इकदाम करने चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि इनके सेटअप बनाने चाहिए, इनके बिजनेस सेट करने चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत देनी चाहिए ट्राईसाइकिल की सूरत में, ताकि इनको आने जाने में आसानी हो और अपना कारोबार कर सकें। और दूसरी बात यह कि इनकी जो ज़रूरियात होती हैं उनको हम किसी हद तक तो पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश कर रही है उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, उनके मजदूरी के सर्टिफिकेट, उनकी सैलरीज, उनकी जॉब, सब काम कर रही हैं, लेकिन हम भी प्राइवेटली इनकी हेल्प करते हैं ताकि ये लोग मायूस ना हों, ये हम इनका सहारा बने और ये हमारे साथ मिलके काम करें और हम इनके साथ मिलके काम करें। मैडम, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा साया महरूम हो गया, पाकिस्तान एक साये से। मोहतरमा बिल्किस ईदी साहिबा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वाइफ, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उस हवाले से आप क्या पैगाम दें? वो तो एक फरिश्ता औरत ही, उन्होंने, वो एक नर्स थी और उन्होंने, उनका बहुत हमदर्द दिल था और उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चे को गोद लिया, उन्होंने झूले बनाए, वो बहुत नेक काम करती थी और उनके हस्बैंड भी, ईदी साहब भी बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो वो तो एक बहुत बड़ा लॉस है। वो हमारा सासा थी बिल्किस ईदी साहब, तो ऐसी हमदर्द और नेक दिल औरत का हमारे से चले जाना हमारा बहुत नुकसान है। और दिनों रात आज का प्रोग्राम अभी जारी है, मुकम्मल तकरीब से आपको आगाह करेंगे कि खानेवाल में जिना लाइब्रेरी में कैसे माजूरों का आलमी दिन मनाया गया ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से और डॉक्टर आबदा ज़फ़र के संग। हमारे साथ जुड़े रहिए। माजूरों के आलमी दिन के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और आपने व्हील चेयर्स तकसीम की हैं डॉक्टर आबदा ज़फ़र के साथ, आप आज इस तकरीब में शरीक हुए हैं, इस सिलसिले में सर क्या पैगाम दें? देखें, मज़दूर जो है ना, उनमें एक सलाहियत होती है, हर इंसान की एक सलाहियत होती है, तो मज़दूरी में भी एक सलाहियत है, अगर वो उसको अपनी सलाहियत के ऊपर वर्किंग करें। वही जिस तरह मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, स्टीफन हॉकिंस दुनिया की एक मशहूर एग्जांपल है। तो हमारा मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस तरह की तमाम एनजीओज़ का, जो गवर्नमेंट का जो है ज़ोर बाजू बनते हैं और जो है इस तरह के लोगों को अपने साथ जो है लेकर चलते हैं और अकोमोडेट करते हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात करते हैं, पंजाब हुकूमत, हमारे पास जो है तकरीबन 850 सफरी कार्ड हमने जारी किए हैं और 150 लोगों को जो है स्पेशल एबल पर्सन को, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इनको हमने नौकरियां दी हुई हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी ये बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनमें जो कोटा, जो डिसेबल पर्सन का स्पेशल कोटा रखा जाता है, उसके मुताबिक इनको जो है वहाँ भी भर्तियाँ मिले और जितना हम बींग गवर्नमेंट इनको अकोमोडेट कर सकते हैं वो करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद हैं राव सादत अली साहब, जो कि अखुवत जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, निगरान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको आज आलमी दिन, मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं और अखुवत फाउंडेशन इस सिलसिले में कोई स्पेशल अपना इनिशिएटिव ले रही है या नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आबदा ज़फ़र साहिबा का कि उन्होंने आज मुझे इस बेहतरीन काम में शामिल किया है। अखुवत जो है वो डॉक्टर साहबा के साथ हमेशा तआवुन करती है और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हर मामले में, और ये डिसेबल लोगों के लिए जो महकमा पंजाब हुकूमत का है वो भी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहबा के साथ कदम के कदम मिला के चलेगा इंशाल्लाह ताला। हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं और ये कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह ताला ये आकबत के लिए बेहतरीन है। अच्छा सर, अखुवत कोई डिसेबल पर्सन को स्पेशल कर्जे, जिस तरह सूद से पाक कर्जे देती है, तो इनके लिए कोई स्पेशल कोटा रख रहे हैं आपके हेड साहब जो डॉक्टर साकिब साहब हैं? इसमें कोटे की ज़रूरत नहीं होती, जिस भी डिसेबल को ज़रूरत है वो डायरेक्ट आए या डॉक्टर साहबा के मार्फत आए, उसे कर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। फदीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है।